हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जी टेक्नो। आज हम आपके लिए एक और नई स्कूटर लेकर आए हैं। ये है होंडा की नई एक्टिवा 125 BS6। इसके बारे में हम डिटेल एक रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलती है, क्या प्राइसिंग है, लॉन्ग राइड पे ये कैसी है गाड़ी, सिटी में कैसी चलती है और माइलेज आपको क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिव्यू है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट से, लुक के बारे में, और स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको वाइट कलर के साथ में जो है ब्लैक वाइजर मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक के साथ में, जो काफ़ी बढ़िया लुक देती है इस गाड़ी को। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है LED हेडलाइट यूनिट देखने को मिल जाता है। मैं एक बार इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसका हाई बीम है और लो बीम। उसके बाद यहाँ पे आपको DRL भी देखने को मिलेगा, डे टाइम रनिंग LED जो लाइट है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपको ब्लिंकर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट मेटल बॉडी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। फेंडर इसका जो है कंप्लीट मेटल का है, बट ये वाला पार्ट आपको फाइबर का देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लुक देती है गाड़ी को सामने से। उसके बाद बात करते हैं इसके साइड लुक की। तो साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है क्रोम अगेन देखने को मिल जाता है। एक्टिवा की ब्रांडिंग यहाँ पे भी की गई है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है आपको कंप्लीट मेटल का देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट भी आपको मेटल को देखने को मिलता है, ये साथ में ये भी आपका मेटल का ही। और फ्रंट में जो है आपको मिल जाता है काफ़ी स्टाइलिश एलॉय व्हील। और इसमें जो है आपको 12 इंच का टायर देखने को मिलेगा। फ्रंट में 90x90 सेक्शन का टायर जो है दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक दिया गया है। जो इसकी सस्पेंशन की क्वालिटी है वो डिसेंट है, उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट ओके है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। उसके बाद बात करें रियर की, तो यहाँ पे जो है आपको 10 इंच के टायर मिलते हैं। यहाँ पे आपको 90x100 सेक्शन का टायर दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे दोनों में। एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा एग्जॉस्ट दिया गया है, साथ में यहाँ पर आपको ये गार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो फुट रेस्ट है वो एल्यूमिनियम का दिया गया है, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो ओवरऑल जो साइड से लुक है गाड़ी का वो काफ़ी बढ़िया लगता है, थोड़ी सी स्पोर्टीनेस इसमें दिख जाती है आपको। बात करें रियर से, तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी बढ़िया सा जो है टेल लैंप का सेक्शन दिया गया है। अगेन यहाँ पे क्रोम के साथ में आपको जो है एक्टिवा 125 की ब्रांडिंग मिलती है। और ये इसका टेल लैंप है, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको बल्ब का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपको एक्सटर्नल फ्यूल लीड दिया गया है, ये भी आपको जो है डुअल लीड में मिलता है। मैं इसको ऑन करके ओपन करके एक बार दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से ओपन हो जाता है। उसके बाद एक और लीड है यहाँ पे, इस तरीके से आपको ओपन करना होता है और फ्यूल जो है यहाँ पे फ्यूल अप करा सकते हैं। बंद करने के लिए आपको ऐसे पुश करना होता है। फ्यूल लीड ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है की सिस्टम दिया गया है, ये ऑल इन वन जो है की सिस्टम है। काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, मैं एक बार इसको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑन है सीट और फ्यूल ओपन करने लिए आपको सीट सेंटर में रखना पड़ेगा, ऑफ़ के लिए यहाँ पे, और लॉक करना है तो पुश करके लॉक हो जाएगा। तो की यहाँ पे डालते हैं और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से अगर ऊपर प्रेस करेंगे तो आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा और नीचे से आप सीट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बूट स्पेस जो है आपको डिसेंट सा मिल जाता है देखने को। तो छोटा हेलमेट जो है आपके पास है तो वो आ जाएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा डेप्थ है तो ये कवर कर लेगा छोटा हेलमेट, लेकिन एग्जॉस्ट वगैरह का हेलमेट जो है वो हेलमेट इसके अंदर नहीं आएगा। और बूट लैंप वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। अब कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। तो इस गाड़ी में जो है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब आप कोई भी एक ब्रेक लगाएंगे तो इससे जो है दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होगी, जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है इसमें आपको कम देखने को मिलेगा, गाड़ी जो है जल्दी से कंट्रोल में आ जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे आपको साइड स्टैंड सेंसर मिलता है, मतलब साइड स्टैंड इंजन किल स्विच दिया गया है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। इससे होगा ये कि जब आपकी साइड स्टैंड डली होगी तो आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। कभी आप गाड़ी ऐसे जगह पर रखे हैं जहाँ पर थोड़ा सा ऊँचा है या फिर ढलान है, तो वहाँ पर जो है आपको ये पार्किंग ब्रेक काफ़ी हेल्प करेगी।
तो ये ब्रेक लगाने के लिए आपको ऐसे प्रेस करना है और इसको ऊपर की तरफ पुल करना है, तो ये लॉक हो जाएगा। और आपको रिलीज़ करना है तो बस इसको ऐसे प्रेस करेंगे और ये रिलीज़ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंजन कैपेसिटी के बारे में, पावर वगैरह के बारे में। तो इस गाड़ी में जो है आपको 124cc का जो है इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल सिलेंडर है और फोर स्ट्रोक सिस्टम पर काम करती है। और इसमें जो है आपको दो वाल्व मिलती है। पावर आउटपुट की बात करते हैं तो ये जो एक्टिवा 125 है आपको 8.6 bhp की जो है पावर जनरेट करके देते हैं। इसका जो टॉर्क निकलता है वो निकलता है 10.3 nm की 5000 rpm पे। कुछ प्रैक्टिकलिटी और कन्वीनियंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सामने में बूट स्पेस, जहाँ पे आप अपना फ़ोन जो है रख सकते हैं। बट यहाँ पे किसी तरीके का चार्जिंग जो है USB वो नहीं दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है जो कि रिट्रैक्टेबल है, और यहाँ से इस तरीके से जो कुछ सामान आपको होल्ड करना है तो लगा सकते हैं, बैग वगैरह। और यहाँ सीट के नीचे भी आपको एक हुक दिया गया है और ये भी रिट्रैक्टेबल है, सेम जैसा सामने दिया है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और फ्लोरबोर्ड में स्पेस की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट सा आपको स्पेस दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है बट ज़रूरत के हिसाब से डिसेंट है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग का कॉम्बिनेशन वाला कंसोल दिया गया है, जो डिसेंट है। फीचर्स वगैरह जो है इसमें काफ़ी बढ़िया आपको दी गई है, जैसे कि इसमें आपको क्लॉक सामने देखने को मिल जाता है। ये आपका फ्यूल गेज है, यहाँ पे कितना फ्यूल है आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एवरेज माइलेज क्या मिला वो भी इसमें रिकॉर्ड होता है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। रेंज आपको क्या मिलेगा जितना फ्यूल है इसमें, जैसे अभी 181 किलोमीटर का रेंज आपको मिल रहा है, और टोटल अब तक कितनी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है 768, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ट्रिप है, एक सिंगल ट्रिप दिया गया है, ट्रिप में आपको जो सेट करना है तो वो आप सेट करके चला सकते हैं गाड़ी को। और इसमें जो है आपको रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिल जाता है, मतलब आप गाड़ी को जिस कंडीशन में एक्सेलरेट करके चलाएंगे तो उस हिसाब से आपको क्या माइलेज मिल रही है वो भी कंटिन्यू यहाँ पे आपको दिखते रहेगा। रियल टाइम माइलेज आप देख सकते हो 35.9 दिखा रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं एक्सेलरेट करूँगा उस हिसाब से इसका जो माइलेज जो है यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि एक्सेलरेशन के हिसाब से आपको क्या माइलेज मिलने वाला है। और साथ ही इसमें जो आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है, ये टूल का आप सिंबल देख रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आप सर्विस करानी है, मतलब इसकी जो है अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, ये होने वाली है। इंडिकेटर के लिए आपको जो है इस साइड में दिया गया है, इसमें कहीं पे भी नहीं है, दोनों साइड आपको देखने को मिल जाता है। अब स्विचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हाई बीम और पास, नीचे आपका टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है। और राइट साइड में इसमें जो है ये इसका एलॉय वेरिएंट है, तो यहाँ पे इंजन किल स्विच और स्टार्टर एक साथ ही इंटीग्रेटेड है। और यहाँ पे बढ़िया फीचर मिलता है जो आजकल सभी गाड़ी में जो है कॉमन हो चुकी है, साइलेंट स्टार्टर। अब ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि साइड स्टैंड लगी हुई है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है स्मूथली स्टार्ट हो गई, आपको स्टार्टर की जो है साउंड यहाँ पे नहीं सुनने को मिला। सीट हाइट जो है ये भी गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है, अगर आपकी हाइट कम है तो भी इजीली इसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीट की जो लेंथ है ये भी डिसेंट है, ज़्यादा तो नहीं है बट डिसेंट है, 712 mm की सीट लेंथ आपको मिलती है। लेकिन अभी जो जुपिटर 125 है वहाँ पर जो आपको 790 mm का सीट लेंथ जो है मिलता है वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसमें और भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है जो इस गाड़ी में नहीं है। अब बात करते हैं एक्टिवा 125 आपको कौन कौन से वेरिएंट में मिलती है, तो बेसिकली इसमें तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलती है, एक डिलक्स, दूसरी जो है एलॉय और तीसरी जो है स्टैंडर्ड। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम होता है, इंजन किल स्विच की जगह पे वहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, 130 mm का दोनों में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, जबकि डिस्क वेरिएंट में सेम एलॉय के साथ में आपको जो है 190 mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलेगा, बाकी रियर में जो है सेम ब्रेक मिलती है। उसके बाद इसका जो और फीचर्स है जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस वेरिएंट में भी आता है और इसके डिलक्स वेरिएंट में भी मिलेगा, बट जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है वहाँ पे जो है डिजिटल कंसोल नहीं मिलेगा, और साथ ही उसमें जो है आपको LED हेडलाइट भी नहीं मिलेगा। तो मतलब इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वहाँ पे स्टील मिलेगा, हेलोजन बल्ब मिलेगा, इंजन किल स्विच वहाँ पे मिलेगा, बट आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो नहीं मिलेगा। प्राइस की बात करें इन तीनों में कितना डिफरेंस है, तो इसका जो टॉप मॉडल आता है डिलक्स उसकी जो प्राइस है 82,300 रुपीज़ के आसपास है, इसका जो ये वाला वेरिएंट है करीब 79,000 रुपीज़ के आसपास है, इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है वो 74,500 रुपीज़ के आसपास मिलती है एक्स शोरूम। और इसका ऑन रोड जो प्राइस है वो आप नियरेस्ट जो है डीलरशिप होगा वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो वेरी करती है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की वर्डिक्ट कि क्या ये गाड़ी हमें परचेस करना चाहिए 125cc सेगमेंट में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 125cc सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में जो है इससे भी बढ़िया फीचर्स और दूसरी स्कूटर्स आपको ऑफर करती है,
तो ये गाड़ी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर लेना है आपको इसको आगे फ्यूचर में रीसेल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए गाड़ी ठीक है, तब आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में चेंज करना है गाड़ी 2-4 साल के अंदर तो ये गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ फीचर्स इस सेगमेंट में जो है आपको बाकी और गाड़ियाँ जो है ज़्यादा ऑफर करती है। हाँ, अब अगर आपको एक्टिवा ही लेनी है तो इसका जो 110 cc वेरियंट है वो आप ले सकते हैं, एक्टिवा 6G, वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है, कंफर्ट कैसा है, वाइब्रेशन वगैरह इसमें है कि नहीं। तो गाड़ी का जो इंजन रिफाइनमेंट है BS6 में, ये काफ़ी बढ़िया हो गया है। आपको पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी लीनियर मिलती है, ग्रंट वैसा नहीं है जैसे आपको कार्बोरेटर पे मिलता था। बहुत अच्छी है, रिफाइंड इंजन है। सस्पेंशन वगैरह जो है थोड़ा सा स्टिफ है, बाकी 125 cc स्कूटर की अगर बात करते हैं उससे कंपेयर करते हैं। हैंडलिंग वगैरह भी इस गाड़ी की जो है ये भी काफ़ी बढ़िया है, सिटी हो या फिर ट्रैफिक हो ये काफ़ी इजीली टर्न कर लेती है, आपको दिक्कत नहीं होती है। इसके टर्निंग रेडियस जो है ये भी काफ़ी कम है तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ठीक ठाक मिल जाता है 160 mm का, तो वहाँ पर भी आपको नीचे जो है हिट नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ब्रेकर वगैरह में। रियर में जो है यहाँ पे 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा से इसका सस्पेंशन को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कंफर्ट थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है रियर से। और माइलेज और टॉप स्पीड की बात करते हैं तो ये गाड़ी जो है टॉप स्पीड के मामले में 85 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड अचीव कर लेती है ईजिली, उससे ज़्यादा ये नहीं जाती है। वहाँ पे भी जो वाइब्रेशन वगैरह है आपको फील नहीं होता है, बहुत सही ये गाड़ी है वाइब्रेशन के मामले में, ज़्यादा वाइब्रेशन इस गाड़ी में है ही नहीं। और माइलेज की बात करें तो एक्टिवा 125 जो है BS6 काफ़ी बढ़िया आपको माइलेज निकाल कर देती है। जैसे कंपनी क्लेम करती है कि 13% माइलेज जो है आपको ज़्यादा मिलता है, और ये रियल कंडीशन में आपको ऑफर करती है, मतलब देती है माइलेज। यहाँ पे 48 से 50 का माइलेज जो है मिल रहा है अभी, ये गाड़ी जो है 700 के आसपास चल चुकी है, तो काफ़ी बढ़िया ये माइलेज निकाल के दे रही है 125 cc होने के बाद भी। चलिए भाई, इसका भी हम करते हैं एक टॉप स्पीड रिकॉर्ड, मिरर वगैरह सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इको इंडिकेटर जो है चालू हो गया है, मतलब इस मोड में चलाएंगे इको मोड पे तो आपको जो है काफ़ी बढ़िया माइलेज स्कूटर से जो है मिलने वाली है, 50 के आसपास आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। थोड़ा सा व्यस्त है रोड, करते हैं 70 बहुत जल्दी, 80, 83, 84, 85, 87 तक गया। टर्न चेकिंग चल रही है उधर। तो गाइस, आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जो है शेयर करिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी राइड करें तो हेलमेट जरूर पहने। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।